सो द फुलिश क्वैक मीन अहमक हकीम या नीम हकीम। वो आपने सुना होगा कि नीम हकीम खतरा है जान। सो कहता है कि वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग सम ट्रेवलर्स स्टेड टू रेस्ट अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। कहते हैं कि शाम हो रही थी, लोग कहीं जा रहे थे और फिर वो रुके, काफला ठहरा, क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, एंड लूजनिंग देयर कैमल्स, और अपने जो ऊंट थे उनको छोड़ा, सेट देम टू ग्रेज, चरने के लिए, और उसके बाद इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर द मेलन फील्ड। फिर ऐसा हुआ कि उनमें से एक जो जानवर था यानी ऊंट था वो खरबूजों के खेत में चला गया, एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रॉट, और वो खरबूजा उसके गले में फंस गया। द ऑनर सीइंग दिस एंड फेयरिंग टू लूज द एनिमल। अब जब उसके मालिक ने देखा कि इतनी बुरी सूरत हाल है और कहीं मेरा जानवर मर ना जाए, मैं जानवर अपना खो ना दूं, टाइड अ ब्लैंकेट अराउंड इट्स थ्रॉट एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट। आपको पता है कि ऊंट की गर्दन लंबी होती है, तो वो जो खरबूजा फंसा हुआ था वो साफ नजर आ रहा था, तो उसने क्या किया कि कंबल लिया, उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा और जोर से वो जो है ना वो एक छड़ी से या थापा टाइप से उसके गले पर मारा, एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, पूरी जोर से, पूरी कुव्वत से। इंस्टेंटली अचानक फौरन उस वक्त था मेलन ब्रोक इन द थ्रॉट ऑफ द कैमल, वो जो खरबूजा था उसके गले में टूट गया, एंड इट वॉज देन इजीली स्वॉलोड, और उसको आसानी से उसने निगल लिया। स्वॉलोड कहते हैं बगैर चबाए निगले। अ सर्टेन मैन हु हैड जस्ट कम अप लुकिंग ऑन एंड ऑब्जर्विंग द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग कहते हैं प्रोसीजर को, जो उसके सामने काम हो रहा है। एक आदमी जो सामने अभी भी आया था, उसने ये सारा कुछ देखा, उसको नहीं ये पता था कि उसने खरबूजा खाया हुआ है, उसको ये था कि शायद ऊंट जो है उसको क्वाटर हुआ हुआ है, उसका थायराइड ग्लैंड फूला हुआ है। शोल्डर्ड हिज बंडल, उसने अपना जनाब वो सामान उठाया दोबारा और कंधे पे रखा जैसे पुराने जमाने में लोग करते थे, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज प्रिटेंडेड दैट ही वाज द डॉक्टर। और वो क्या हुआ कि वो अगले गांव चला गया और उसने जाके ये कहा कि मैं एक हकीम हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट वट कैन यू क्योर, लेकिन तुम क्या क्योर कर सकते हो, एस्क द विलेजर्स। विलेजर्स ने पूछा, आई कैन क्योर गोइटर, मैं जनाब गोइटर जो है उसका इलाज करता हूँ। गोइटर कहते हैं गिल्लड़ को भी, घिलप्पड़ को भी, ये पंजाबी में हम कहते हैं, लेकिन मेडिकल जो है वो इसकी डेफिनेशन ये है कि विद द लैक ऑफ आयोडीन द थायराइड ग्लैंड अंडर योर चिन स्वेल्स एंड दिस स्टेट इज नोन एज गोइटर। आपके गले में एक हड्डी टाइप है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं दो, एक थायराइड और एक पैरा थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड नीचे होता है, पैरा थायराइड ग्लैंड छोटा सा होता है जो ऊपर होता है नुकीला सा। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये इतना ज्यादा फूलता है और ये ग्वाइटर बन जाता है। लेट मी शो यू समथिंग, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर जो है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कुछ यूं नजर आता है, ये देखिए आप, यू कैन सी, ये जो स्टेट है ये ग्वाइटर है, ये भी बहुत कम ग्वाइटर है, ये इसकी बहुत ज्यादा स्टेज है, और ये जो आपके गले में ग्लैंड होता है ये फूल जाता है और इस तरह से ये ग्वाइटर हो जाता है, और ये देखें ये बहुत ज्यादा स्वेयर ग्वाइटर है, ये भी ग्वाइटर है, ये थायराइड ग्लैंड फूला हुआ है ग्वाइटर, ये भी ग्वाइटर है, ये भी ग्वाइटर है, ये देखें ये भी ग्वाइटर, और ये देखें ये है फ्राइटफुल साइज, खतरनाक हद क्वार्टर की, फटने वाला लग रहा हो गया, और ये देखें ये जो क्वार्टर है ये कितना ज्यादा स्वेल हुआ हुआ है, ये देख लें आप इसको। सो ये होता है क्वार्टर।
It was all about goiter. So, I hope you have understood what goiter means. उसने जाके वहां कहा कि मैं goiter का इलाज करता हूँ. An old woman whose throat was swollen to a frightful size exclaimed. एक बूढ़ी औरत जिसका बड़ा ही खतरनाक हद तक जो है वो फूला हुआ था गला, उसने कहा, ओ माय सन, ओ मेरे बेटे, अगर तुम मेरी मदद करो, इफ यू कुड ओनली क्योर माय गटर, तुमने कहा कि मेरे बेटे अगर तुम मेरी मदद कर दो तो आई विल ब्लेस यू फॉर एवर मोर, तो मैं तुम्हें बड़ी दुआएं दूंगी हमेशा सदा अगर तुम मेरा गोइटर का इलाज कर दो तो. सर्टेनली एंसर्ड द मैन, उसने कहा क्यों नहीं, हेयर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट ला के दो मुझे, एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, और एक सही जो है ना किस्म का थापा टाइप ला के दो मुझे, जिसे औरतें कपड़े नहीं धोती. एज सून एज दे वर ब्रॉट, जैसे ही उनको लाया गया तो वो कंबल उसने क्या किया, वो कंबल उसने उसके गर्दन के गिर्द लपेटा. ही टाइड अप द वुमेन्स थ्रॉट, उसने वो कंबल जो है लपेटा उसके गले के गिर्द, एंड स्ट्रक द स्वोलन पार्ट विद सो मच फोर्स, और फिर उसने क्या किया कि वो जो फूला हुआ था उसका जो जगह फूली हुई थी उसको इतनी जोर से मारा कि उसको इतनी जोर से मारा कि वो वहीं पर मर गई. मोहम्मद हम आज तुम्हें बड़ा शौक है इधर लाइने मारने का, बच्चे हो तुम. उसके बाद सर्टेनली आंसर द मैन, सॉरी एज सुन, अच्छा जी, द पुअर ओल्ड क्रीचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, वो बेचारी बूढ़ी वहीं पर मर गई एकदम ही. आह क्राइड द पीपल, दिस फेलो इज अ विलेन, कहा ये तो बहुत जालिम है, ये तो जाबर है, पकड़ो इसको. सो दे सीज्ड हिम, उन्होंने इसको पकड़ लिया. बीइंग माइंडेड टू कैरी हिम बिफोर द किंग, और उनका ख्याल था कि इसको बादशाह के सामने ले जाएंगे. वन ऑफ देम हाउएवर सेड, उनमें से एक ने कहा, शी वॉज वेरी ओल्ड वुमन, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी औरत थी. Who must have died shortly in any case, जिसने आज नहीं तो कल वैसे ही मर जाना था. Let us therefore compel to wretch to dig her grave. तो कहता है कि हम अपना गुस्सा इस पर इसी तरह निकाल दें कि इसको कहते हैं इसकी कब्र खोदो. And then we can beat him and let him go. और फिर हम इसकी दुर्गत बनाएंगे, इसकी फेंटी लगाएंगे और फिर इसको छोड़ देंगे. So they took him and set him to work. उसको ले गए और जाके कहा चलो खोदो, काम करो. But the ground was so stiff and hard that he made slow progress. लेकिन वो जो ग्राउंड थी वो बहुत ज्यादा सख्त थी, तो वो बड़ा आस्ते आस्ते काम हो रहा था. तो फिर उसको धमकी देते थे, इफ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुमने इसको भी नहीं खोदा, बिफोर द किंग यू शैल गो एंड देन यू विल बी हैंग्ड, तुम्हें बादशाह के सामने ले जाएंगे और वो तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देगा. दस एग्जॉटेड एंड अनफॉर्चुनेट मैन, बेटा एग्जॉटेड कहते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं. एंड अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत इंसान, इन द ग्रेटेस्ट फियर, अपने खौफ में, लेबर्ड अवे विद ऑल हिज माइट, लेबर कहते हैं मजदूरी करना, तो अपनी पूरी कुवत के साथ वो खोदना शुरू हो गया, मजदूरी करने लग गया. एंड एट लास्ट, और आखिरकार, व्हेन द विलेजर्स सा, जब विलेजर्स ने देखा that he has finished his task and buried the victim has mistaken treatment, and dekha ke jab inhone boodi mai ko bhi dafna diya hai, apne jo hai wo jisko qatl kiya hua hai, apne shikar ko usne dafna diya hai, they beat him well and let him go, unhone iski theek tak pandil kari aur fir usko jaane diya. Ab uninfluenced by the severity of his punishment, uninfluenced, इन्फ्लुएंस्ड कहते हैं हम जिसने असर लिया हो, अनइन्फ्लुएंस्ड जिसने असर ही ना किया हो. सिवेरिटी, शिद्दत,
पनिशमेंट सजा, यानी कि सजा की शिद्दत का उसने असर नहीं किया। द मैन माउंटेड इज कैमल, वो जनाब अपने ऊंट पे बैठा है, एंड वेंट टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव चला गया। एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ डॉक्टर, और फिर जाके कह दिया मैं डॉक्टर हूँ। और फिर वही सवाल, एंड व्हाट कैन यू क्योर, उससे पूछा कि किस चीज का इलाज करती हो। आई कैन क्योर गोइटर, मैं गटर का इलाज करता हूँ। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड वुमेन हु ऑफर्ड हिम फॉर ट्रीटमेंट, इस दफा एक बूढ़ा आदमी था जिसको इलाज के लिए लाया गया। बट द प्रीटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन नीम हकीम ने कहा, लोगों से पहले कह दिया, लुक हेयर गुड पीपल, प्यारे लोगों देखो, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं अपनी पूरी कुव्वत लगाऊंगा इसको सही करने के लिए। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट टू किल हिम, लेकिन अगर बदकिस्मती से ये मुझसे मर गया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन ग्रेव, तो फिर आपने मुझे जबरदस्ती इसकी कब्र नहीं खुदवाने का कहना। अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, किस किस्म के इंसान हो तुम महमक क्राइड दे, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट द डिगिंग ऑफ पेशेंट्स ग्रेव, कहता है कि अभी इलाज शुरू नहीं हुआ और तुम जो है वो मरीज की कब्र खोदने की बात कर रहे हो। अवे विद यू, जाओ दफा जाओ, वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमने नहीं तुमसे कुछ भी इलाज करवाना। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और अब हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं।